गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, वो बेस्ड है हमारी वर्कशीट नंबर 13-19। जी हाँ, ये वही वर्कशीट्स हैं जो हमने लास्ट प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व की थी। आज हम इस प्रैक्टिस पेपर में नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे इनटू अदर टेंसेस। मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, दे वर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस इंक्लूडिंग नॉट। मतलब नॉट वर्ड तो आएगा ही। तो एक नॉर्मल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, व्हाट डज इट से, सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, देन कम्स दी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है नॉट। NOT नॉट लगाने से ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्मेट में जाता है। देन कम्स वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें वर्ब की वही फॉर्म लगानी होगी। एंड इन लास्ट द वर्ड इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए बिफोर स्टार्टिंग द सेंटेंसेस हम सारे टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कौन सा टेंस है हमारा फर्स्ट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी टेंस में, या हम ये बोल सकते हैं किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो होती है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, मैंने ये भी बताया था। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? उसमें या तो आएगी डू या फिर आएगी डज, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू आएगी, और इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन डज आएगी, डू एंड डज। तो सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आएगा नॉट, फिर कौन सा वर्ड आएगा? नॉट, टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आएगी वर्ब। क्या आएगा उसके बाद? वर्ब आएगा इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आएगी अपनी फर्स्ट फॉर्म में। और आप लोगों को एक बात और याद होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव वाले में नहीं, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, जब सेंटेंस में हम वर्ब लिखते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के संग वर्ब में एस और ईएस यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ये जो हमारा क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। मतलब वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है। वर्ब हो गई और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, देन द हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कल भी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी हमारी? इज, आर और एम, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड एम विथ ओनली आई, ठीक है। इसके बाद आएगा नॉट वर्ड, फिर आएगी वर्ब, और वर्ब की आएगी आईएनजी फॉर्म। वर्ब में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद आएगा लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा जितने भी चेंजेस हमारे हो रहे हैं ओनली इन हेल्पिंग वर्ब एंड इन वर्ब, ये वाली बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जितने भी चेंजेस हमारे होंगे वो सारे हमारे या तो हेल्पिंग वर्ब में होंगे या वर्ब में होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, द सेंटेंस विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हियर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, प्रेजेंट टेंस में टेंसेज में सेंटेंसेज में जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, बट पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। उसके बाद आता है वर्ड हमारा नॉट, टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। देन कम्स the verb in its third form, present perfect tense और कोई भी perfect tense sentence हो उसमें verb हमारी third form में ही use होती है। उसके बाद last में आता है हमारा object, ठीक है।
ये तीन टेंसेस आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्री सेंटेंसेस, सॉरी टेंसेस। द नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद इसमें भी आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते, लेकिन बाकी सारे टेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट तो हमको लगाना ही है। फिर आएगी वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम वर्ब को सेकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज़ कर लिया है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, चाहे वो सेंटेंस हमारा इन नेगेटिव में हो और इट इज़ इन इंटरोगेटिव। गॉट इट? और लास्ट में एज यू ऑल नो इट इज़ ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, दे आर वॉज एंड वर, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। वॉज इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब आती है बारी नॉट की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। फिर आएगी वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म। वर्ब किस में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगेन द सेंटेंस विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड, ओनली हैड, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मैटर। उसके बाद आती है वर्ब नॉट, वर्ड नॉट, सॉरी नॉट वर्ब। फिर आएगी वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म। अभी हमने बताया था ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में ही हो रहे हैं, नॉट तो हमको यूज करना ही करना है। नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इट इज विल और शैल, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। शैल इज यूज विद आई एंड वी, वेयर एज विल इज यूज विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो शैल और हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द वर्ड नॉट टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस अगेन। उसके बाद आती है वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट टेंस में सारे टेंसेज में वर्ब जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑल टाइप के टेंसेस के नेगेटिव फॉर्मेट के स्ट्रक्चर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस। आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या है? यू डू नॉट बीट योर ब्रदर विद अ स्टिक। यू डू नॉट बीट योर ब्रदर विद अ स्टिक। इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि जो भी चेंजेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में होते हैं। आज के सारे सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव फॉर्मेट में हैं, मतलब सारे ही नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। लास्ट वीडियो में हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, आज की वीडियो में सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और लास्ट वीडियो विल बी ऑफ हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यू डू नॉट बीट योर ब्रदर विद अ स्टिक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, योर ब्रदर विद अ स्टिक। ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस कहाँ होंगे? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। रिमेंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड होती है। तो हम लिखते हैं यू हैड, और संग में आएगा
नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। यू हैड नॉट, बीट हमारी वर्ब है और बीट की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। यू हैड नॉट बीटन योर ब्रदर विद अ स्टिक, यू हैड नॉट बीटन योर ब्रदर विद अ स्टिक। ये हो गया हमारा सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है देखते हैं। लेबरर्स आर नॉट डीपनिंग द पिट, लेबरर्स जो हैं वो पिट को और डीपनिंग डीपन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इन विच टाइप ऑफ टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, बार बार बोलूँगी मैं इस बात को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो लेबरर्स स्पेस छोड़कर द पिट, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, लेबरर्स डैश द पिट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या होता है बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हमारा वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म में आती है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन जब नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हमें लगाना होता है नॉट वर्ड, क्योंकि नॉट से ही तो हमारा नेगेटिव फॉर्मेट समझ में आएगा। तो लेबरर्स डैश नॉट डैश द पिट, लेकिन नॉट से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं डिड। पास्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वी यूज़ डिड, तो लेबरर्स डिड नॉट। अब जब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली है तो सेंटेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लेबरर्स डिड नॉट डीपन द पिट, ये हो गया हमारा सेंटेंस, लेबरर्स डिड नॉट डीपन द पिट। और डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसका इफेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है इस पर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इन स्पाइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला क्या है, डॉक्टर हैज़ नॉट एग्जामिन्ड द डेड बॉडी टुडे, डॉक्टर हैज़ नॉट एग्जामिन्ड द डेड बॉडी टुडे। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, तो लेट अस राइट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो डॉक्टर्स द डेड बॉडी टुडे, डॉक्टर्स डैश द डेड बॉडी टुडे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी, द हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल, राइट, एंड विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट इट इज विल। तो ना तो ये आई है और ना ही ये विल है, सॉरी वी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल। एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज़ करेंगे ही करेंगे, डॉक्टर विल नॉट। अब एग्जामिन, जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम ई एक्स ए एम आई एंड ई एग्जामिन, डॉक्टर विल नॉट एग्जामिन द डेड बॉडी टुडे, दैट्स इट। हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं इन तीनों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, कारपेंटर डिड नॉट हॉलो आउट द टेबल विद हिज मशीन, कारपेंटर डिड नॉट हॉलो आउट द टेबल विद हिज मशीन। वी हैव टू चेंज द सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए सेम वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, तो बाकी का सेंटेंस हम लिख लेते हैं, कारपेंटर ओके हॉलो आउट इज अ कंप्लीट वर्ब द टेबल विद हिज मशीन, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है या तो हैज या फिर हैव, राइट, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो कारपेंटर हियर इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अगर हम यहाँ पे कारपेंटर्स भी कर देते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ़र्क पड़ जाता। तो कारपेंटर हैज, कारपेंटर हैज, अब नॉट तो लगाना ही है, कारपेंटर हैज नॉट हॉलो आउट, हॉलो आउट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, हॉलो आउट द टेबल विद हिज मशीन, कारपेंटर हैज नॉट
hollow out the table with his machine. अगर ये if it the if this sentence हमें किस में चेंज करना होता है सेंटेंस को प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, तो सेंटेंस कैसे होता, कारपेंटर डज नॉट, हैज की जगह केवल डज आ जाता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के साथ हम डू या डज का यूज़ करते हैं, सॉरी डज का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में डू का यूज़ करते हैं. तो ये सिंगुलर है, तो कारपेंटर हैज़ नॉट हॉलो आउट द टेबल विद हिज मशीन. कंटिन्यूस होता कोई सा भी, सपोज करिए पास्ट कंटिन्यूस होता तो कारपेंटर वॉज नॉट हॉलोइंग आउट, तो हॉलो में ing फॉर्म लग जाता. ठीक है, नेक्स्ट वन, द मेड वॉज नॉट मॉपिंग द रूम वेल. द मेड वॉज नॉट मॉपिंग द रूम वेल, इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में. कौन से टाइप में? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में. लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, जब भी आप इन सेंटेंसेस को नोटबुक पर नोट डाउन करें, ये वाली वर्कशीट करें, तो आप ये इंडिकेट ज़रूर करिएगा कि आपने कौन से टाइप के टेंस में सेंटेंस को चेंज किया है. इसको हम ट्रांसलेट नहीं बोलेंगे, इसको हम चेंज बोलेंगे, बिकॉज ट्रांसलेट होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. ये हमने एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज किया है, बदला है ना, अनुवाद नहीं किया है, बदला है. तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो चेंजेस विल बी इन द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. तो लेट अस राइट दिस रिमेनिंग सेंटेंस. द मेड डैश द रूम वेल. ठीक, अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम नॉट लिख देते हैं. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर सेंटेंस दिस वन, कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के संग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस में हम डू का इस्तेमाल नहीं करते, हम डज का इस्तेमाल करते हैं. तो द मेड डज नॉट, और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, दैट इज मॉप. द मेड डज नॉट मॉप, आई एन जी नहीं आएगा, ई डी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. द मेड डज नॉट मॉप द रूम वेल. अगला सेंटेंस है हमारा, ही हैड नॉट रोस्टेड द मेज फॉर अस. ही हैड नॉट रोस्टेड द मेज फॉर अस, इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है, तो अगेन वही चेंजेस जो होंगे हमारे, कहाँ होंगे चेंजेस? होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब आती है इज आर एम, इज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, आर आती है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और आई का यूज़ करते हैं हम एम के साथ. तो ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिख देते हैं ही इज, और वर्ब है हमारी रोस्ट, तो हो जाएगी, आई एम सॉरी नॉट भी आएगा, रोस्टिंग. ही इज नॉट रोस्टिंग द मेज, ही इज नॉट रोस्टिंग द मेज फॉर अस. आज बहुत गड़बड़ हो रही है, फॉर अस. तो ये देखिए, हैड नॉट रोस्टेड को हमने चेंज कर दिया इज नॉट रोस्टिंग में. ठीक है, द लास्ट वन, मदर विल नॉट स्टीम द राइस फॉर 10 मिनट्स. मदर विल नॉट स्टीम द राइस फॉर 10 मिनट्स, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है फ्रॉम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो अगेन द सेम चेंजेस विल हैपन इन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. तो लेट अस राइट द रिमेनिंग सेंटेंस. मदर डैश द राइस फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं वॉज एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सिंगुलर्स के संग आते हैं वॉज, और प्लूरल्स के संग आते हैं वर्ब. तो मदर वॉज नॉट, और वर्ब है हमारी स्टीम, आईएनजी फॉर्म में आएगा, स्टीमिंग. तो मदर वॉज नॉट स्टीमिंग द राइस फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का चेंज किया सेंटेंस हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो दीज आर द सेंटेंसेस जो आपको अपनी नोटबुक पर विदाउट एनी हेल्प समझने के बाद खुद ही करने की कोशिश करिएगा. आज के लिए इतना ही, गुड बाय.